हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ सवाल। जैसे कि आप इस सवाल में देख ही रहे हैं, यहाँ पर बोला है फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 9 and 6 इन 907364। इसका मतलब यह है इस नंबर में जो 9 और 6 है, इन दोनों का फेस वैल्यू का सम कितना होगा। तो मैं बता दूं कि फेस वैल्यू का मतलब कुछ नहीं होता है, बस फेस वैल्यू मतलब आप जिसका फेस वैल्यू बोला जाए बस उसे ही ले लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ 9 बोला है तो हम लोग 9 को ले लिए, अब और एक 6 बोला गया है तो 6 को ले लेंगे। इन दोनों का सम बोला है तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मल हमको 9 और सम बोला है तो प्लस और उसके बाद क्या है 6 6, इन दोनों का सम कर देंगे तो आ जाएगा 15। बस हमारा एक स्टेप में ही आंसर निकल गया, तो नंबर 1 आपका आंसर होगा। चलिए इसी तरह और एक सवाल देख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए बोला है फाइंड द सम ऑफ द प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 in 43836। इस नंबर में 8 की सम पूछा है, वो भी यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, एक प्लेस वैल्यू का और फेस वैल्यू का पूछा है। तो फेस वैल्यू जैसे कि आपको पता है कि वो जो नंबर है बस वही उतर जाएगा, लेकिन यहाँ प्लेस वैल्यू बोला है तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि ये 8 जो है ये इस पूरे टोटल नंबर में किस स्थान पर है। तो जैसे कि हम लोग छोटे टाइम में पढ़े थे, बच्चे के समय में, हमारे चाइल्डहुड में, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। ये क्या है, एक 10,000 डिजिट है जिसमें 8 कितने नंबर पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100। तो अब यहाँ पर हमारा प्लेस वैल्यू जो होगा वो होगा 8 प्लस सम बोला है तो इसलिए प्लस, और उसके बाद प्लेस बोला है तो प्लेस का मतलब होता है ये 100वें नंबर पर है। तो क्या होगा, 100वें नंबर पर है तो 8 का हमारा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसके संग सम बोला है तो सम हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे चलिए सॉल्व करते हैं, तो क्या है 8 प्लस 8 को 100 से मल्टीप्लाई किए, 800 हो गया इक्वल टू 808, आंसर हमारा आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी।